नमस्कार। आज हम विभिन्न विषय के पाठ योजना के मॉडल्स के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही जनरल ये मॉडल है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाएगा इससे। तो यहाँ बहुत ही मोटा मोटा हम देखेंगे कि कैसे बनाया जाता है। जैसे हिंदी की पाठ योजना बनाते हैं तो उसमें सामान्य उद्देश्य अपने लिखा कि हिंदी के प्रति रुचि उत्पन्न करना, मातृभाषा के प्रति प्रेम, मानसिक शक्ति का विकास, वाक्य रचना की योग्यता, शब्द भंडार में वृद्धि, लेखन शक्ति का विकास, ये सारे लगभग जो आपके उद्देश्य लगभग सारे कंटेंट में होते हैं। तो यहाँ पर सामान्य उद्देश्य विशिष्ट मान लीजिए कि इनको अक्षरों की जानकारी देना। फिर इन्होंने प्रस्तावना के प्रश्न पूछे पूर्व ज्ञान पर आधारित। तो बच्चे आप कौन कौन से वर्ण जानते हैं, अक्षर जानते हैं, तो बच्चे कुछ बताएंगे, इसके आगे कुछ पूछेंगे, फिर नहीं बता पाएंगे तो समस्यात्मक प्रश्न हो गया, उद्देश्य कथन होगा, आपका प्रस्तुतिकरण हो गया, सहायक सामग्री जो आप यूज़ करते हैं प्रस्तुतिकरण में उसका जो मुख्य टर्म है इसमें आदर्श वाचन जो हम करेंगे, अनुकरण वाचन जो बच्चों द्वारा अनुकरण कराया जाएगा, इसमें मौन वाचन भी होता है, और इसके बाद बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे, श्यामपट्ट कार्य करेंगे। श्यामपट्ट कार्य में अगर वर्ड आप यूज़ करते हैं तो काठिन्य निवारण करते हैं, निरीक्षण कार्य, पुनरावृत्ति, गृह कार्य इत्यादि। फिर नेक्स्ट देखेंगे इंग्लिश का, तो जस्ट इसको कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे हमको पढ़ाना है कि ए और एन का यूज़ कैसे करना है, तो इसमें जो जनरल एम होगा आप देख लीजिए लास्ट में जो आपने पढ़ा वैसे ही है। जैसे टू इनेबल द स्टूडेंट टू राइट करेक्ट लेटर्स ऑफ इंग्लिश, यहाँ पे टू डेवलप देयर स्किल्स। तो इसी प्रकार से हम जनरल एम बनाएंगे, स्पेसिफिक एम मतलब विशिष्ट उद्देश्य, प्रीवियस नॉलेज रखेंगे, टीचिंग एड्स दिखाएंगे, यहाँ पे इंट्रोडक्शन देंगे, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछेंगे, यहाँ पे प्रस्तावना के प्रश्न, एम ऑफ स्टेटमेंट, प्रेजेंटेशन करेंगे, यहाँ पे देखिए उन्होंने कुछ चित्रों का भी यूज़ किया है। फिर आप मॉडल रीडिंग कराएंगे, आदर्श वाचन, साइलेंट रीडिंग कराएंगे, मौन वाचन, फिर आप यहाँ पे क्वेश्चन देंगे, ब्लैक बोर्ड वर्क कराएंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे और होमवर्क देंगे। फिर हम देखते हैं गणित की पाठ योजना कैसे बनाई जाती है। तो गणित में भी सेम टू सेम सामान्य उद्देश्य, जैसे गणित के विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, तर्क शक्ति का विकास, चिंतन शक्ति का विकास, स्मरण शक्ति का विकास, अनुकरण शक्ति का विकास, और इससे भी अधिक आपकी सांस्कृतिक आपका आनंद की अनुभूति, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। विशिष्ट उद्देश्य मान लीजिए कि तीन अंकों की संख्याएँ हैं उनको जोड़ने का ज्ञान कराना है। इसके अलावा पूर्व ज्ञान देखते हैं हम, कुछ उनको पहले से पता होगा, दो अंक का पता होगा तभी ना तीन का सिखा रहे। सहायक सामग्रियाँ यूज़ करें, गोली, तीलियाँ एक्सेट्रा, प्रस्तावना के प्रश्न पूछेंगे आप इस प्रकरण से संबंधित। फिर आप क्या करेंगे, उद्देश्य कथन करेंगे, प्रस्तुतिकरण करेंगे, तो आदर्श प्रश्न देते हैं इसमें अक्सर गणित में, तो प्रश्न देंगे वो सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, फिर आदर्श हल बताएंगे, मतलब आदर्श प्रश्न जो हम प्रश्न लिख के हमें सॉल्व करते हैं। तो फिर यहाँ पे क्या होता है, बच्चों को दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पे जोड़ा, तो श्यामपट्ट कार्य यहाँ पे दिखाया आपने, और फिर आप क्या करते हैं पुनरावृत्ति के प्रश्न देते हैं, फिर जब उनको सिखा लिया तो आप रिविज़न कराते हैं, फिर निरीक्षण कार्य करते हैं, गतिविधि कराते हैं, इससे रिलेटेड मैथ्स में अक्सर कराई जाती है, तो फिर गृह कार्य देके उनको फिर छोड़ देते हैं। इसे देखकर अगर पर्यावरण अध्ययन की पाठ योजना बनानी है तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन में हमने जैसे लिया तालाब हमको पढ़ाना है, तो इसके जो सामान्य उद्देश्य होंगे तो पर्यावरण के प्रति बच्चों को जागरूक करना, रुचि उत्पन्न करना, कल्पना, तर्क, मानसिक शक्ति का विकास करना, क्रमबद्ध ज्ञान उनको देना, आदत निर्माण करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, एक्सेट्रा आपके सामान्य उद्देश्य हो जाएंगे। और विशिष्ट में आप मान लीजिए तालाब के विषय में ज्ञान देना चाहते हैं, तो इसमें देखिए विशिष्ट में आपके ब्लूम की टैक्सोनॉमी देखेंगे तो संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीन पक्ष आते हैं। जनरली आप छोटे बच्चों के लिए एक भी कर सकते हैं, लेकिन अब आपको अच्छा होगा कि तीनों यूज़ करें। फिर पूर्व ज्ञान देखेंगे, सहायक सामग्री आपने यूज़ किया तो यहाँ पे देखिए, फिर प्रश्न उसने उससे प्रस्तावना के प्रश्न पूछे, तो प्रस्तावना के प्रश्न में उन्होंने जो पूछा है यहाँ पे कि बच्चे मछलियाँ कहाँ रहते तालाब में, बत्तख कहाँ रहते तालाब में, फिर तालाब में और क्या क्या रहता है तो नहीं बता पाते, तो फिर हम बताते हैं कि उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, प्रस्तुतिकरण वो करते हैं, तो मछलियाँ, राष्ट्रीय पुष्प कमल एक्सेट्रा सारी चीज़ें, कछुए ये सब भी रहते हैं, जलकुंभी, जड़ी बूटी ये सब भी निकलती है, तो ये सब सारी चीज़ें उस प्रस्तुत करेंगे, बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे, निरीक्षण कार्य करेंगे, पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछेंगे और गृह कार्य देकर उनको छोड़ देंगे। नेक्स्ट जो आपकी विज्ञान की पाठ योजना है उसको कैसे बनाएंगे, सेम टू सेम सामान्य उद्देश्य, जैसे विज्ञान के प्रति रुचि, तर्क
सोच शक्ति, वैज्ञानिक सोच, जिज्ञासु प्रवृत्ति, व्यवहारिक ज्ञान, ये सब चीज़ें इसके सामान्य उद्देश्य में आती हैं। विशेष में आपको मान लीजिए कि बच्चों को भोजन और उसकी आवश्यकता के बारे में जानकारी प्रदान करना, फिर बच्चों को भोजन के बारे में बताना है आपको, तो उसमें पूर्व ज्ञान कुछ ना कुछ तो खाते ही होंगे तो उनको पता होगा। फिर हमारी सहायक सामग्री संतुलित आहार का चार्ट हमने यूज़ कर लिया। फिर प्रस्तावना के प्रश्न पूछेंगे, कब आते हो, इंटरवल कब होता है, इंटरवल में भोजन क्या दिया जाता है, भूख क्यों लगती है, क्या क्या खाना चाहिए, एक्सेट्रा, आप बहुत सारे प्रश्न उनसे पूछ सकते हैं। उद्देश्य कथन करेंगे, प्रस्तुतिकरण करेंगे, फिर आप देखिए यहाँ पे जो करेंगे बोधात्मक प्रश्न, निश्चयकार, पुनरावृत्ति के प्रश्न, गृह का, जैसे देखिए सारा स्टेप आपके सब वही होंगे, बस बदल क्या रहा है, सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य बदल रहे हैं और कुछ चीज़ें भाषा और अन्य सब्जों में सब्जेक्ट में अलग हो रही है। जैसे सामाजिक विज्ञान की पाठ्य योजना बनानी है तो कैसे बनाएंगे, सेम सामान्य उद्देश्य बनाएंगे, तो रुचि उत्पन्न करना, उनके परिवेश से परिचित कराना, सामाजिक भावना का विकास, देश के वर्तमान परिप्रेक्ष्य से परिचित कराना, सुंदर भविष्य के निर्माण है, तो ये सब सारी चीज़ें आपके सामान्य उद्देश्य में आ गए। फिर आपका क्या हो गया, फिर विशेष उद्देश्य कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में अगर उनको अध्ययन कराना है, फिर पूर्व ज्ञान देखेंगे, सहायक सामग्री यूज़ करेंगे जैसे रुपया, सिक्का, राष्ट्रीय प्रतीकों के चिन्ह और वो सारी चीज़ें, फिर आप प्रस्तावना के प्रश्न पूछेंगे और उद्देश्य कथन करेंगे, प्रस्तुतिकरण करेंगे, बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे, निरीक्षण कार्य करेंगे, पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछेंगे और गृह कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से आपके सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं जो पाठ्य योजना के अंतर्गत हम यूज़ करते हैं। स्पेसिफिक चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी, लेकिन एक मॉडल देखा जाए तो इस प्रकार से आप मॉडल बना सकते हैं, एक आदर्श पाठ योजना जो आपकी बनती है, और इस प्रकार से किसी भी पाठ को पढ़ाने से पहले आप उसकी पाठ योजना बना सकते हैं।